क्या ये कंफर्म हो गया है कि एमएस धोनी आईपीएल 2025 खेलेंगे? जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बड़ा अपडेट आया है, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 में धोनी का खेलना लगभग तय है। आपको बता दूं कि न्यूज ये सर्कुलेट हो रहा है कि सीएसके के रिक्वेस्ट पे बीसीसीआई पुराना अनकैप प्लेयर वाला रूल वापस ला रहे हैं और जिसकी हेल्प से एमएस धोनी खेल पाएंगे। जब ये बात सीएसके ऑनर काशी विश्वनाथ से की गई तो उन्होंने कहा कि हमने बीसीसीआई से अनकैप प्लेयर वाला रूल लाने की बात ही नहीं की है, बल्कि बीसीसीआई खुद ही चाहती है कि एमएस धोनी आईपीएल 2025 खेले, जिस वजह से वो खुद ही इस रूल को वापस लाना चाह रही है। अगर ऐसा सच है तो आप सोच सकते हो कि एमएस धोनी मतलब किस लेवल के ब्रांड हैं, एमएस धोनी टीआरपी के हिसाब से कितने बड़े प्लेयर हैं, कि अनकैप प्लेयर रूल एक प्लेयर की वजह से फिर से आ जाएगा। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि 2024 के आईपीएल में जितनी बार भी एमएस धोनी खेलने के लिए आते थे, व्यूअर्स में काफी हाइक देखने को मिलता था। एंड इतना ही नहीं, एमएस धोनी जब तक ड्रेसिंग रूम से लेकर के क्रीज तक जाते थे, इनको स्क्रीन पे दिखाया जाता था, जबकि वो टाइम स्लॉट जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। बाकी आप नोटिस करना, जब भी बाकी और प्लेयर आते हैं तो उस टाइम एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, लेकिन एमएस धोनी के टाइम पे उनको स्क्रीन पे रखा जाता था क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज्यादा होते थे, अर्निंग बहुत ज्यादा होती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएस धोनी कितने बड़े आइकन हैं एंड लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। एमएस धोनी को देखने के लिए ही 80% लोग स्टेडियम भी जाते हैं। तो एमएस धोनी जब नहीं खेलेंगे तो इससे फ्रेंचाइज को काफी नुकसान होगा एंड बीसीसीआई को भी बहुत हद तक। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि हो सकता है कि सिर्फ एमएस धोनी के लिए अनकैप प्लेयर वाला रूल बीसीसीआई लाए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो वही लोग जाने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि अगर धोनी खेलने के लिए हाँ कर देते हैं तो सीएसके का 8 करोड़ बच जाएगा। उसका रीजन ये है कि एमएसडी को आईपीएल 2024 के लिए सीएसके ने 12 करोड़ पे किया था, बट अनकैप प्लेयर वाला रूल आने से सीएसके को सिर्फ 4 करोड़ ही देना पड़ेगा। हालांकि 2024 आईपीएल में एमएस धोनी काफी स्ट्रगल करते नजर आए थे, फुली तरीके से फिट नहीं लग रहे थे, जिस वजह से हमेशा लास्ट के 2-4 बॉल ही फेस करने आते थे या मैक्सिमम 1 ओवर। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि एमएस धोनी आईपीएल 2025 में खेलने के लिए हाँ बोलेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, अगर बीसीसीआई अनकैप प्लेयर रूल सिर्फ एमएस धोनी के वजह से वापस लाएंगे तो बिना एमएस के पूछे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कन्फर्म होगा कि अगर अनकैप प्लेयर वाला रूल आप न्यूज में देखते हो तो ये भी समझ जाना कि एमएस धोनी पक्का आईपीएल 2025 खेलेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि अगर एमएस धोनी आईपीएल नहीं खेलेंगे तो सीएसके बुरी तरीके से फेल हो जाएगी या एमएस के अब्सेंस में टीम ज्यादा अच्छा करेगी? प्लीज कमेंट।